खाना खाते सगळ्यांची चव घेतलीस का? और आप लोग जो कहते हो ना, मैं नॉन वेज खाता हूँ ज्यादा, वेजिटेरियन नहीं खाता, लो खा रहा हूँ। सर लोनावाला में जाना जोशी जोशी है क्या? घरगुती जेवण। अच्छा जोशी जोशीज जैसे बरसात शुरू हो जाती है, बारिश आ जाती है, मेरी पूरी जो टीम है जैसे मोहित प्रतीक सब कहते हैं कि लोनावला चलते हैं, लोनावला चलते हैं। क्यों? लोनावला चलते हैं और शैला फासे के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो आखिर में मैं पहुंच गया हूं लोनावला और शैला फासे के रेस्टोरेंट में हम अभी खाना खाने वाले हैं। शैला फासे कौन है? लोग उन्हें प्यार से मम्मी कहते हैं। तो रेस्टोरेंट का नाम है जोशीज, लेकिन चलाती है शैला फासे। तो जाते हैं किचन में, मिलते हैं शैला फासे जी या मम्मी जी से और उन्हें पूछते हैं कि खाने में क्या है। एक बज रहा है, लंच टाइम हो रहा है, लगता है भीड़ बढ़ रही है, चलो जल्दी खाते हैं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, किचन में घुसने की बुरी आदत है मेरी, इसलिए मैं अभी किचन में घुसा हूं, देखते हैं क्या पक रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, काय चाललंय, काय क्या पक रहा है आज इधर? भिंडी मसाला फ्रेश। मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, सॉरी। हाँ, काफी बिजी है, लगता है मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो ये भिंडी मसाला बन रहा है, ये क्या बन रहा है यहाँ? भिंडी का इसका मसाला, इसका मसाला ये यहाँ बन रहा है। यहाँ सिर्फ भिंडी लेके उसको थोड़ा फ्राई हो रहा है और ये क्या है? पनीर का मसाला। तो भिंडी बन रही है, भिंडी का मसाला बन रहा है, यहाँ पनीर बन रहा है, देखते हैं और क्या इस तरफ जाएंगे। अरे चिकन, इतना सारा चिकन जाता है। अच्छा, और यह सब्जियां कट रही है, सब भिंडी हो रही है, मसाले हो रही है, चिकन है। लेकिन इससे पहले कि मैं खाऊं, मम्मी से मिलना है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनका है ये जो ये पूरा काम धाम हो रहा है, जिनके नाम पे ये दुकान चलती है, जिनके नाम पे खाना बिकता है, उनसे मिलते हैं। तो है यही कहीं बैठी हुई है, मैंने सुना है, तो मैं जाकर देखता हूँ। अरे ये तो बुरी आला। नमस्कार नमस्कार, या या अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे किचन में? मैं भूख लगी थी, आपके बारे में बहुत सुनाता है। मेरे को मालूम है, हर होटल में जाना और खाना खाना। कैसे है मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा एक मैं आपको बताऊँ, मैं अपने मम्मी को भी मम्मी ही कहता था, इनको सब मम्मी कहते हैं। ये है शैला फासे, ये सब जो पक रहा है यार, इनके हाथों का दुया हुआ है सब। खाना खाते हैं। इंटरव्यू लेना कौन खाना खाना? चलो या चला।
मेरे सामने इतना सारा खाना है कि मैं जो कह रहा था कि भूख लगी है वो बहुत जल्दी ही मिटने वाली है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है प्रॉन मसाला जो फ्रेश प्रॉन्स का लगता है। तो मैं शुरुआत ही करता हूँ यहाँ से ना। और ये है भाकरी जो ज्वार और बाजरे की भाकरी है। ये मेन चीज ये है कि प्रॉन जो है फ्रेश है, बहुत ही फ्रेश है। मसाले हैं उसमें, कोकम डाल के उसका थोड़ा खटास आई है इसमें। ये जो प्रॉन्स है इनकी रेसिपी काफ़ी सिंपल लगती है, जस्ट थोड़े से मसाले, घर में जैसा खाना पकता है वैसे ही। अब चिकन लेते हैं। चिकन मसाला और यहाँ का जो आचार है बहुत अच्छा है, बढ़िया। पहले ये नॉनवेज खाता हूँ लेकिन मैं आपको बोलने वाला हूँ कि वेज खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ और मेरा सब फेवरेट है। यहाँ फ्रेश फिश मिलता है, फ्रेश प्रॉन्स मिलते हैं, चिकन मिलता है, मटन मिलता है, मटन भी चखी लेते हैं। और इसका जो स्वाद है वो घर के खाने जैसा स्वाद है, जैसे घर पे। अबे मटन भी देखिएगा कितना पिंक फ्रेश मटन है, सॉफ्ट टेंडर। हाँ 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 ये जो आलू वड़ी है वो मेरे लिए स्पेशली बनाई है, कोकोनट डाल के उसके ऊपर। आलू वड़ी एक महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है जो आलू के पत्तों से बनती है, रोल करके स्टीम करके फिर फ्राई होती है। थोड़ी मीठी है, थोड़ी खट्टी है, थोड़ी तीखी है। अभी चिकन हो गया, मटन हो गया, कोल्ड भी होगी, अभी छोड़ दो यार, हाथ से ही लेते हैं। सूखा चिकन, सूखा चिकन। मसाले जो है वो बाहर के नहीं घर के मसाले हैं, इसलिए टेस्ट जो खाने का है जैसे मम्मी ने कहा अलग अलग प्रांतों का एक साथ आ जाता है। हाँ CKP यानी चंद्रसेन कायस्थ प्रभु का क्विजीन है यहाँ, लेकिन जैसे हम यहाँ आएंगे आप देखेंगे कि थोड़ा पंजाबी, थोड़ा सा गुजराती है, लेकिन सब घर जैसा। फ्रेश मसाला सोल कड़ी देवा। ब्यूटिफुल। अब मैं खाने वाला हूँ ये मेरी फेवरेट डिश, वाल। वाला तो बिरडो कहते हैं। वाल इसेंशली कड़वे होते हैं, रेसिपी में तीखापन है और मीठापन भी है और कड़वापन। अब लेते हैं चावल। दाल, चावल, भिंडी, भिंडी थोड़ा फ्लावर और थोड़ा ये बैंगन जिसे हम कहते हैं
भरली वांगी। अब मैं ये थोड़ा किकबैक करके इसको आराम से खाऊंगा। भिंडी की सब्जी मैंने बहुत दिनों के बाद भिंडी खाई है। कहते हैं ना कि जब हम ढाबे पे जाते हैं महाराष्ट्र में तो चिकन मटन खाने के लिए जाते हैं भाकरी का, लेकिन यहाँ का जो वेजिटेरियन खाना है वो भी बहुत अच्छा है। और आप लोग जो कहते हो ना मैं नॉन वेज खाता हूँ ज़्यादा, वेजिटेरियन नहीं खाता, लो खा रहा हूँ। ये जो बैंगन है छोटा बैंगन होता है छोटा वाला, उसे काटते हैं अंदर मसाला डाल के और पकते हैं, पकाते हैं बैंगन। वाह भरली वांगी। बस मजा आ गया। या आइए मम्मी, लेकिन मम्मी खाना बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया। मैं अभी ये टेबल फटाफट खाना खत्म करके छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आपके यहाँ इतनी भीड़ हो गई है कि मैंने इतना सारा जगह ऑक्यूपाई करके बैठा हूँ। अच्छा नहीं, लोगों को भी अच्छा लग रहा है। अरे मम्मी थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आ गया। अरे ये एक्चुअली तो मैं बोल रही थी तेरी लड़की को, अरे मत आने को, बोल बहुत गर्दी आ रही है मेरे पर। फिर बोली कुलर साहब आ रहे हैं, तो ये तो एक गली बोला कला जो रहा है। अच्छा लग रहा है कुनाल, तुम अच्छा सब जगह अच्छा सबको बड़ा कर रहे हैं। फूड फूड इंडस्ट्री में आपका भी नाम है बहुत सारा। मैं ऐसे ही आऊंगा वापस, जब भी अभी जब भी हम लोनावला आएंगे यहाँ आकर खाना खाएंगे। और अगर आप लोगों को ये खाना पसंद आया तो मत भूलिएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब कुछ करना है। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। मेरे को भी बढ़िया आनंद लग रहा है कि जो लोग गली गली कूचे में काम करते हैं, अपना डेरा डाल के बैठे हैं खाने का, उसके घर में तू सारे के घर में जा रहा है ये, और आज ये आदमी के साथ मैं बैठी हूँ। प्रतीक has been telling me for the longest time, यहाँ आना है, आखिर में आ गए। It was worth coming. सब ट्रैफिक में ऐसे छोड़ के आ जाओ प्रतीक, उनको देख लो। Now it's time for you to move out and okay. Yes, I'm going. मैं जा रहा हूँ। चलो इतना खत्म करके जाता हूँ। मोहित मिश्र, मोहित मिश्र एंड नीलेश आल्सो अन्नदाता सुखी बहुत चला।